कलमना में एक बंद मकान से 2.25 लाख के गहने उड़ा लिए गए। कालीनगर जूना कामठी मार्ग निवासी फिरियादी किरण बाल पांडे की फिरियाद पर मामला हुआ दर्ज। फेसबुक फ्रेंडशिप में एक विधवा महिला को 3 लाख की चपत लगी है। जेरपटका पुलिस ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। कोविड संक्रमण को लेकर बढ़ती जा रही लापरवाही का असर अब दिखने लगा है। पिछले 4 दिनों में 1398 नए मरीज मिले हैं। केंद्र सरकार द्वारा देश में वस्तु एवं सेवा कर लागू करने के बाद केंद्रीय GST और कस्टम विभाग में कनिष्ठ से लेकर वरिष्ठ, यहां तक कि मुख्य आयुक्त, प्रधान आयुक्त और आयुक्त के पद रिक्त पड़े हैं। राष्ट्र संत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ओर से प्रधान न्यायाधीश शरद बोबड़े को LLD मानव उपाधि प्रदान करके प्रस्ताव प्रबंधन परिषद ने मंजूर किया था। इसके लिए 3 अप्रैल को विशेष दीक्षांत समारोह आयोजित किया जाना है। मुफ्त शिक्षा के अधिकार अंतर्गत शालाओं के ऑनलाइन पंजीयन जारी है। पर्याप्त शालाओं का पंजीयन नहीं होने से प्रशासन ने पंजीयन की अवधि बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दी है। मनपा के अतिक्रमण विरोधी दस्ते ने गुरुवार को नेहरू नगर और सतरंजीपुरा जोन के तहत अवैध होर्डिंग हटाने की कार्रवाई की। इसके साथ ही अन्य जोन इलाकों में 380 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई कर 4 ट्रक सामान जब्त किया। ट्रेन में यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए रेल प्रशासन ने अगला आदेश मिलने तक पुणे और हावड़ा के बीच नागपुर होकर रोजाना स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। शिक्षा राज्य मंत्री बच्चू कड़ू ने कहा है कि शिक्षा विभाग ने अब तक पालकों से करोड़ों रुपए की अतिरिक्त फीस वसूलने वाले कुछ CBSE स्कूलों पर कार्रवाई की है, लेकिन संबंधित स्कूलों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। नागपुर में COVID-19 का प्रकोप फिर से बढ़ रहा है। इसके नियंत्रण के लिए पॉजिटिव मरीजों के संपर्क में आए लोगों की जांच करना आवश्यक है। इसके लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी ने जारी किए हैं।